हेलो एवरीवन, मेरा लास्ट क्लास एम्बैगमेंट स्लोप पर आए थे तो ड्राई सॉइल तक हुआ था। तो नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, समर स्लोप। सो नेक्स्ट पॉइंट, समर स्लोप। देखो, व्हेन सपोज दिस इज एक्स एक्स प्लेन एंड दिस इज वाई वाई प्लेन विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हम ए बी सी डी कोई भी एक प्रिज्म, सॉइल प्रिज्म को हम कंसिडर करेंगे एंड हम उसको एनालिसिस करेंगे। ए बी सी डी, ठीक है। नाउ दिस सॉइल प्रिज्म इज अंडर वाटर टेबल, सो दैट्स वाई दिस इज द कंडीशन ऑफ सबमर्ज्ड स्लोप। सपोज मान लो वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे है, ठीक है ना, तो क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर भी आएगा, तो पोर वाटर प्रेशर को भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इन दिस डायरेक्शन देयर वाज शेयर स्ट्रेंथ एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द वेट ऑफ दिस सॉइल प्रिज्म विल डेफिनेटली एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। सो दिस इज द स्ट्रेस वाज कैलकुलेटेड and we got the result sigma z is equal to gamma z cos i, ये आया था, ठीक है ना। तो सपोज मान लो जो एक ग्राउंड लेवल है horizontal का साथ i एंगल पे है, जो horizontal है i एंगल पे है, सो इधर भी एक कंपोनेंट होगा, देन दिस कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी परपेंडिकुलर टू वाई वाई, ठीक है ना। तो दिस एंगल ऑल्सो विल बी आई, सो नाउ दिस कंपोनेंट विल बी कॉस कंपोनेंट ऑफ सिग्मा जेड, सो दिस विल बी नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा जेड कॉस आई एंड इन दिस डायरेक्शन एक कंपोनेंट होगा साइन का, वो होगा शेयर स्ट्रेस सिग्मा जेड साइन आई। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ था लास्ट क्लास। ये था शेयर स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस। नाउ एज बिकॉज सॉइल इज अंडर वाटर, सो देयर ऑल्सो विल बी ए पोर वाटर प्रेशर, सो टेकिंग केयर, यू हैव टू टेकिंग केयर पोर वाटर प्रेशर। सो देखो पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, अपवर्ड एक्ट होगा, तो पोर वाटर प्रेशर विल बी एक्टिंग जस्ट ऑपोजिट ऑफ वेट, ठीक है, दिस इज पोर वाटर प्रेशर एंड द वैल्यू ऑफ पोर वाटर प्रेशर विल बी जेड कॉस आई। सिमिलरली जैसा वेट था, वेट का कारण जो स्ट्रेस आया, पोर वाटर प्रेशर का भी सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर लेना पड़ेगा, तो इसका भी कंपोनेंट होगा इस बराबर, ये होगा I, तो एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, U cos I हो जाएगा एंड अनदर साइड इन दिस डायरेक्शन U sin I आया। समझ में आया। अभी देखो इस डायग्राम को यहाँ पे बैठा दो जाके, तो क्या होगा, दिस डायरेक्शन क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर U इज इक्वल टू गामा डब्लू जेड कॉस आई, ठीक है। अलोंग दिस डायरेक्शन क्या होगा, यू साइन आई हो जाएगा, यू साइन आई, क्लियर। और देखो इसका जो साध है ना, ए होगा इस बराबर कॉस आई, आई थिंक क्लियर। सो नाउ What will be then factor of safety? Factor of safety क्या होता है? Factor of safety दिखाई नहीं दिया। Factor of safety, देखो factor of safety हमेशा याद रखना, hero by villain होता है। Hero यहाँ पे कौन है, देखो जो shear strength है ये hero है, hero है that's mean ये soil का failure होने का ये resist करेगा, नहीं होने होने
होने नहीं देगा. सो दिस हेयर स्ट्रेंथ विल रेजिस्ट द फेलियर. सो दिस विल एक्ट, मतलब ये क्या हो जाएगा एज ए हीरो. विलेन कौन हो जाएगा? शेयर स्ट्रेंथ. तो क्या होगा? शेयर स्ट्रेंथ बाय शेयर स्ट्रेंथ. ठीक है. सो शेयर स्ट्रेंथ क्या होगा? सिग्मा एन टेन फाइव, ठीक है, बाय टाउ. नाउ सिग्मा एन मतलब क्या होगा? सिग्मा एन माइनस यू पोर वाटर प्रेशर टेन फाइव बाय टाउ. अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा. देखो ये जो टाउ है ना, इसका ऑपोजिट भी एक कंपोनेंट है यू साइन है, और ये जो सिग्मा एन है ना, इसका भी ऑपोजिट है यू कॉस है. तो क्या होगा? एक इसका क्या आएगा फिर? सिग्मा एन वैल्यू क्या? सिग्मा एन का वैल्यू सिग्मा जेड कॉस है. तो सिग्मा जेड कॉस है लिख लेते हैं. माइनस यू यू मतलब इसका कौन सा कंपोनेंट होगा? यू कॉस आई होगा, क्योंकि सिग्मा एन का ऑपोजिट यू कॉस आई है. तो रिजल्टेंट मिल जाएगा यू कॉस आई हो गया टेन फाइव. ठीक है. और नीचे क्या होगा बताओ? बताओ टाउ. टाउ का भी साथ भी कौन है? यू साइन आई है, तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा. तो टाउ इक्वल टू क्या है? सिग्मा जेड साइन आई. तो लिखो सिग्मा जेड साइन आई, सिग्मा जेड साइन आई. हम बड़ा बड़ा करके लिख रहे हैं जैसे समझ में आए. यू साइन आई. देखो कॉस आई कॉमन ले लो, साइन आई कॉमन ले लो, तो क्या होगा? क्या बाकी क्या रहेगा? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बिकम सिग्मा जेड माइनस यू कॉस आई बाय सिग्मा जेड माइनस यू साइन आई टेन फाइव. तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये तो कट जाएगा टेन फाइव बाय टेन आई. ठीक है ना. तो यही था रिजल्ट प्रीवियसली. ठीक है. तो यही रिजल्ट हमको फिर मिला. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ सबमर्ज स्लोप. आई थिंक समझ में आया. हम फिर एक बार बोल देते हैं. देखो जब सबमर्ज कंडीशन होगा, जब सब सॉयल पानी वाटर लेवल के नीचे रहेगा, तब वहाँ पे पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा. तो तब क्या होगा? पोर वाटर प्रेशर को तुमको अकाउंट करना पड़ेगा और उसको उसको मतलब रिजल्टन निकालना पड़ेगा जो जो कंपोनेंट है. तो ये जो डायग्राम है प्रीवियसली हैज़ बीन डिस्कस्ड, तो समझ में आया था आई थिंक. तो यहाँ पे जस्ट पोर वाटर प्रेशर अपोजिटली एक्ट होगा. तो पोर वाटर प्रेशर का जो साइन कंपोनेंट है ये शेयर स्ट्रेस का अगेंस्ट काम करेगा, एंड पोर वाटर प्रेशर का जो कॉस कंपोनेंट है और नॉर्मल स्ट्रेस का अगेंस्ट काम करेगा. तो इसलिए इन दोनों को माइनस करना पड़ा, क्योंकि दोनों का डिरेक्शन अलग अलग है. तो हम जैसे बताए टाउ एस मतलब शेयर स्ट्रेंथ बाय शेयर स्ट्रेस क्या होता है? फैक्टर फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है. तो टाउ एस बोलो, टाउ एस क्या हो? टाउ एस मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस टेन फाइव. देखो हम हैं, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन लेस सॉइल. क्वेश्चन लेस सॉइल मतलब सी इज इक्वल टू जीरो. क्वेश्चन लेस सॉइल के लिए सी इज इक्वल टू जीरो होगा. तो सी प्लस एक्चुअली होता है, तो सी इज इक्वल टू जीरो मतलब सी फर्स्ट टर्म कैंसिल. तो क्या होगा? ओनली सिग्मा एन बार टेन फाइव बाय टाउ. तो सिग्मा एन बार मतलब इफेक्टिव. इफेक्टिव मतलब जो नॉर्मल होगा उससे पोर वाटर माइनस करोगे तो अपना इफेक्टिव मिलेगा. तो पोर वाटर माइनस करो तो क्या मिलेगा? अल्टीमेटली टेन फाइव बाय टेन आई दिस रिजल्ट. एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक. देखो सबमर्ज तो है लेकिन अप टू ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल से सबमर्ज नहीं है. सपोज मान लो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है ना, कुछ दूरी दूरी का बाद मतलब कुछ डिस्टेंस का बाद पानी है, वाटर टेबल है, तब क्या होगा? कैसे कैलकुलेट करोगे? दिस इज स्पेशल केस. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉप नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हो? पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट सबमर्ज स्लोप जब वाटर टेबल क्या है? वाटर टेबल
बिलो ग्राउंड सरफेस। बिलो ग्राउंड सरफेस तब क्या होगा? देखो सेम डायग्राम फिर ड्रॉ करो, जो जो डायग्राम था पहले से ड्रॉ करो। दिस इज एक्स 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 एंड दिस इज वाई वाई, ठीक है ना? तो आई एम टेकिंग ए सॉइल प्रिज्म ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है? तो सपोज दिस इज ग्राउंड लेवल, सपोज मान लो वाटर टेबल अप टू एक्स डेप्थ पे है, मतलब ग्राउंड सरफेस से नीचे एक्स डेप्थ तक, यहाँ पे शायद कुछ, शायद मान लो इस पोजिशन में वाटर टेबल है, वाटर टेबल पानी का सिंबल, ठीक है? तो एंड आई एम टेकिंग इट एज एच, ओके। टोटल क्या है? टोटल तो जेड है, टोटल जो है तो जेड है, ठीक है? एंड हॉरिजेंटल का साथ इसका जो एंगल है वो आई है, ठीक है? तो जो होगा, जैसे इस बराबर क्या आया था? सिग्मा जेड आया था। इस बराबर क्या आएगा? सिग्मा एन आएगा। एंड दिस बराबर क्या आएगा बताओ? टाउ आएगा, ठीक है ना? अभी देखो वाटर टेबल का कारण पोर वाटर प्रेशर तो आएगा, लेकिन यहाँ पे दो टाइप का सॉइल हो गया, एक ड्राई हो गया, एक क्या हो गया? सैचुरेट हो गया। तो अप टू एक्स डेप्थ जो सॉइल है वो पानी में भीगा हुआ नहीं है, दैट्स मीन दिस सॉइल इज ड्राई। तो ड्राई के लिए कुछ होगा और अलग होगा, एंड सैचुरेट के लिए कुछ अलग होगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे जो सिग्मा जेड होगा ना, ये जो होगा सिग्मा जेड विल बी इक्वल टू, यूनिट वेट गामा इंटू कितना? एक्स हाइट है, एक्स हाइट है, यूनिट वेट गामा इंटू एक्स हाइट। यहाँ तक क्या है? ड्राई है। तो इसके लिए एक्स इंटू कॉस आई हो जाएगा, कॉस आई होगा। देखो हम फिर कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉस आई होगा ही, ये जो था ये कॉस आई था। देख लो यहाँ पे जो आया था कॉस आई था, मतलब वो जो वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, फिर वेट कैलकुलेट करोगे, फिर एरिया से डिवाइड करोगे, तो कॉस आई आ ही जाएगा, ठीक है ना? तो लेकिन ड्राई के लिए क्या होगा? एक्स डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हम किए? गामा एक्स कॉस आई प्लस, देखो अप टू एज हाइट, एज हाइट के लिए क्या हो जाएगा? सैचुरेट हो जाएगा। तो लिखना होगा गामा सेट, सेट फॉर सैचुरेट इंटू एज इंटू, मत लिखो, मतलब एज कॉस आई, ठीक है? एंड व्हाट विल बी देन द पोर वाटर प्रेशर? पोर वाटर प्रेशर ऑल्सो विल बी गामा डब्ल्यू एज कॉस आई। क्यू? ओनली एज डिस्टेंस हेयर, क्योंकि अप टू एज डिस्टेंस तक की तो वाटर है ना। सो नाउ हाउ टू देन कैलकुलेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी? देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा? फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हम बताए थे, हीरो बाय विलेन मींस हीरो बाय विलेन। तो यहाँ पे कौन है हीरो? सिग्मा एन। अगेन आई एम टेकिंग क्वेश्चन लेस सॉइल, ओके। सो सीम देन फॉर क्वेश्चन लेस सॉइल इज इक्वल टू जीरो, तो सी पार्ट चला जाएगा, रेस्ट सिग्मा एन बार टेन फाइव बाई टाउ। अच्छा नाउ देखो क्या होगा, सिग्मा एन मतलब क्या होगा? सिग्मा एन मतलब सिग्मा जेड कॉस आई होगा, ठीक है? तो और इस बराबर क्या होगा? पोर वाटर प्रेशर एक्ट होगा। पोर वाटर प्रेशर देखो, पोर वाटर प्रेशर तो इस बराबर यू होगा, तो इस बराबर क्या होगा? तब इस बराबर क्या होगा? यू कॉस आई। एंड दिस बराबर क्या होगा? जैसा डायग्राम था वैसा ही,
लेकिन थोड़ा हाइट कम हो गया वाटर का, थोड़ा नीचे आ गया, ग्राउंड लेवल पे नहीं है वाटर तो। लेकिन कंपोनेंट तो जैसा था ऐसा ही होगा ना, प्रीवियस जैसा था। देखो प्रीवियस ऐसा था, पोर वाटर प्रेशर एक्टिंग जस्ट अपोजिट टू द वेट एंड इस कंपोनेंट, वन वन कंपोनेंट रेजिस्टिंग शियर स्ट्रेस, अनदर कंपोनेंट रेजिस्टिंग नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब बोथ आर इन अपोजिट डिरेक्शन विथ नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। सो नाउ डायग्राम विल बी सेम, जस्ट वाटर टेबल नाउ गोइंग डाउन, सो दैट्स वाई one portion of soil will be dry, another portion of soil you have to take as saturate. So now then what will be then sigma n bar, dekho kya hoga, ye jo hoga sigma z cos I minus u cos I tan phi, obviously sigma z cos I ye jo minus u cos I ye jo tumne mil jayega normal इफेक्टिव नॉर्मल, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा दिस माइनस दिस, तो ए क्या होगा सिग्मा जेड साइन आई, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, सिग्मा जेड साइन आई माइनस यू साइन आई, ऑब्वियसली यही होगा। सो नाउ कैलकुलेट इट, क्या होता क्या आएगा बताओ, सिग्मा जेड का जो वैल्यू आया था ये आया था, इसको मत लिखो, इसको याद रखो, इसका जरूरत है नहीं क्योंकि नीचे भी सिग्मा जेड है, तो जस्ट कॉस कॉमन ले लो, ऊपर से कॉस कॉमन लेने से सिग्मा जेड माइनस यू कॉस आई टेन फाइव बाय नीचे क्या होगा सिग्मा जेड माइनस यू साइन आई। देखो फिर ये दोनों काट गया, फिर क्या आ गया टेन फाइव बाय टेन आई, जो था वही आया। तो दैट्स मीन सॉयल सबमर्ज है या फिर सॉयल डाई है, फॉर बोथ कंडीशन फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिव सेम रिजल्ट। ओके आई थिंक क्लियर। सो नाउ अनदर पॉइंट इम्पॉर्टेंट, स्टेडी सीपेज बिलो ग्राउंड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस पे भी है, ठीक है। देखो धीरे धीरे समझना, थोड़ा टाब लगेगा शायद, लग सकता है। तो देखो स्टेडी सीपेज बिलो ग्राउंड लेवल, तो इन दिस कंडीशन हाउ टू कैलकुलेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो पहले लिख लेते हैं टॉपिक का नेम, क्या लिखना है, स्टेडी सीपेज बिलो ग्राउंड लेवल। ओके स्टेडी सीपेज बिलो ग्राउंड लेवल, ठीक है ना। तो फिर डायग्राम ड्रा करो, डायग्राम ड्रा करो, क्या होगा, दिस इज एक्स एक्स, ओके दिस इज वाई वाई, धीरे धीरे समझना। And again, I am considering a soil prism, naming it as ABCD. ABCD. So now look, steady seepage below ground level. That means water table also will be below ground level. So suppose I am considering at X depth, water table is located. तो दिस डेप्थ इच आई एम टेकिंग एज एक्स, ओके सो हेयर वाटर टेबल, दिस इज वाटर टेबल, सो देन दिस पोर्शन ऑफ सॉइल विल बी हैविंग यूनिट वेट गामा एंड दिस पोर्शन ऑफ सॉइल हैविंग यूनिट वेट गामा सेट एज बिकॉज इट इज अंडर वाटर। नाउ देयर विल बी सीपेज प्रेशर एज बिकॉज स्टेडी सीपेज, स्टेडी सीपेज हैपनिंग इन द सॉयल, सो क्या होगा यहाँ पे एक स्टेडी सीपेज प्रेशर आएगा, सो दिस इज स्टेडी सीपेज प्रेशर, ठीक है। तो पी एस मान लो सीपेज प्रेशर। सो देखो जियोटेक वन में सीपेज प्रेशर चैप्टर था, सीपेज चैप्टर था, आई थिंक तुम लोग पढ़े होंगे, शायद भूल गए लेकिन एक बार देख लेना। सो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, सीपेज प्रेशर एक्ट
ऑलवेज एक्ट इन द डिरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब जिस डिरेक्शन में पानी फ्लो करेगा, कोई भी फ्लूड फ्लो करेगा, तो उसी डिरेक्शन में सीपेज प्रेशर भी एक्ट होगा. ओके, सो एज बिकॉज इन दैट कंडीशन इन हेयर सीपेज प्रेशर, दैट्स मीन द फ्लो इज गोइंग दिस डिरेक्शन, सो सीपेज प्रेशर ऑल्सो विल बी इन दिस डिरेक्शन. सो देन सीपेज प्रेशर विल नालीफाई द कॉम्पोनेंट ऑफ पोर वाटर प्रेशर इन द अपोजिट डिरेक्शन. तो जो पोर वाटर प्रेशर का जो इधर को जो पोर वाटर प्रेशर का जो साइन कंपोनेंट आ रहा था, साइन कंपोनेंट जो आ रहा था, ठीक है ना, तो उसको क्या करेगा, नालीफाई कर देगा. तो देखो डायग्राम, देखो ये जो सिग्मा जेट नीचे इधर जैसा है ऐसा, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं. इधर क्या होगा और इधर क्या होगा, ये तो बेसिक है, ये तो हम हर बार ही होगा, ये तो सॉइल का अपना है. तो सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा जेड कॉसाई, और क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू सिग्मा जेड साइनाई हो जाएगा, ठीक है. और देखो इसका हाइट हम ले लेते हैं एच, और ये जो टोटल है जेड तुमको पता ही है. तो और देखो क्या होगा, वाटर टेबल का कारण पोर वाटर प्रेशर भी आएगा ना, तो पोर वाटर प्रेशर की भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इसका ऊपर, ठीक है. देखो ये हो जाएगा पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर का भी तो कंपोनेंट था, याद है ना, साइन कंपोनेंट जो इस बराबर काम कर रहा था, तो यू साइन आई दिस कंपोनेंट एंड अनदर कंपोनेंट व्हिच इज जस्ट अपोजिट टू नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है ना. तो देखो थोड़ा मतलब उतना अच्छा डायग्राम नहीं हो रहा है, समझ लेना जो इसका जस्ट अपोजिट है ये, ठीक है ना, इसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है ना. तो यू कॉसाई होगा, यू कॉसाई होगा मतलब एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, ठीक है ना, एक बराबर स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, बट हाउएवर समझ में आएगा तो सही है. तो ये जो है ना कंपोनेंट यू साइन आई, ये नालीफाई हो जाएगा किसका साथ, सीपेज प्रेशर का साथ. यहाँ पे सीपेज प्रेशर है, तो सीपेज प्रेशर विल नालीफाई द कंपोनेंट ऑफ पोर वाटर प्रेशर, ठीक है ना. तो फिर कहानी क्या होगा, देखो यहाँ तक तो समझ में आया, नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालो. तो बस एक लाइन लिख ही देते हैं हम, सीपेज प्रेशर एक्ट इन डिरेक्शन, इन द डिरेक्शन ऑफ फ्लो, ओके, व्हिच, थोड़ा बराबर करके लिख रहे हम, नालीफाई द कंपोनेंट ऑफ पोर वाटर प्रेशर, मतलब यू साइन आई, मतलब यू साइन आई. तो देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आएगा, तब देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिग्मा एन एज बिकॉज क्वेश्चनलेस सॉयल, सो सी इजिकल टू जीरो बाई टाउ. सिग्मा एन मतलब क्या होगा हम फिर नहीं बताएंगे, हम जल्दी जल्दी लिखेंगे क्योंकि तुम लोग को पता ही है, यू कॉस आई टेन फाई, ठीक है, बाय सिग्मा जेड साइन आई होगा. सिग्मा जेड साइन आई जो था ये तो होगा, ये तो होगा, लेकिन इसका साथ यू साइन आई को माइनस करना था, लेकिन नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे, क्योंकि इसको नालीफाई कर दिया आप सीपेज प्रेशर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, सिंपल बात. तो इसको नहीं लिखेंगे हम. तो फिर क्या होगा, सिग्मा जेड माइनस यू कॉस आई तो कॉमन चला जाएगा, बाय सिग्मा जेड हो गया, साइन आई हो गया, और टेन फाई तो है ही है. तो ये फिर क्या बन गया, देखो सिग्मा जेड माइनस यू बाय सिग्मा जेड हो गया, टेन फाइव बाई टेन आई हो गया,
टेन फाई बाई टेन आई हो गया। अभी कुछ ड्रामा होगा, क्या होगा देखो, अभी तुमको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा जेड तो अलग होगा क्योंकि एक्स तक तो ड्राई है, फिर एज तक सैचुरेट है, तो सिग्मा जेड निकालो। तो देखो क्या होगा, स्पेस यूज करते हैं हम, देखो तो रिजल्ट ऐसा आया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा जेड माइनस यू आया था बाय सिग्मा जेड आया था, टेन फाई आया था बाय टेन आई आया था। तो इसको हम सिग्मा जेड वन हो जाएगा यू बाय सिग्मा जेड कर देते हैं, ठीक है। तो और लिख देते हैं टेन फाई बाय टेन आई लिख देते हैं। तो यू क्या होगा, देखो यू इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच कॉस आई, कॉस आई क्योंकि एज 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 डिस्टेंस तक तो पानी है ना, अच्छा देखा नहीं दे रहा था, यू इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच कॉस आई, देखो एच तक की हाइट है पानी तो इसलिए। तो और सिग्मा जेट क्या होगा, देखो सिग्मा जेट जैसा होगा, हम जैसे बताए थे गामा एक्स कॉस आई होगा क्योंकि एक्स तक ड्राई है, प्लस गामा सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर एच कॉस आई, ये होगा ठीक है ना, जस्ट पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट करो तो क्या होगा, जस्ट कैलकुलेट करो तो ये अल्टीमेटली आएगा गामा एक्स कॉस आई प्लस गामा सेट एच कॉस आई माइनस गामा डब्लू एच कॉस आई, ओके बाय गामा एक्स कॉस आई प्लस गामा सेट एच कॉस आई, ठीक है ना, क्या होगा टेन फाई बाई टेन आई। नाउ देखो क्या होगा, कॉस आई को कॉमन ले लो और नीचे से कॉस आई को कॉमन ले लो, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रेस्ट बचा रहेगा सेट एच माइनस गामा डब्ल्यू एच बाई क्या होगा गामा एक्स प्लस गामा सेट इंटू एच, यही होगा। और क्या होगा टेन फाई बाई टेन आई, ठीक है ना, ये टेन आई है। तो देखो गामा इफेक्टिव क्या होगा बताओ, गामा इफेक्टिव क्या होगा बताओ, ये होगा गामा एक्स प्लस गामा सेट इंटू एच बाय एक्स प्लस एच, क्योंकि अप टू फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू वाई वाई प्लेन जो स्ट्रेस आएगा और दोनों का क्या एडिशन होगा ना, एक्स तक जो आएगा और एच तक जो आएगा, हम सिंपली वही किए, ठीक है ना, टोटल इफेक्टिव जो होगा इनटू उसका टोटल हाइट इक्वल टू एक्स तक जो होगा एच तक जो होगा। तो एक्स प्लस एच मतलब क्या, जेट है, जेट है ना, तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो गामा इफेक्टिव इनटू जेट लिख सकते हो, क्या हो जाएगा गामा एक्स प्लस सॉरी गामा एक्स सापेक्ष नहीं सब मल्टीपल है प्लस गामा सेट इनटू एच, ओके। तो यहाँ पे देखो ऐसा कुछ है, ऐसा टर्म देखो गामा एक्स गामा सेट इनटू एच, इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा इफेक्टिव इनटू जेड लिख सकते हैं सिंपल, तो इसलिए हम इसको दिखाए थे। तो क्या हो जाएगा ये फिर बताओ, क्या हो जाएगा गामा इफेक्टिव इनटू जेड, ठीक है, माइनस गामा डब्ल्यू इनटू एच बाय नीचे भी सेम ड्रामा होगा, क्या होगा गामा इफेक्टिव इनटू जेड होगा, तो गामा इफेक्टिव इनटू जेड, तो ये तो है ही है टेन फाई बाय टेन आई, ठीक है। तो ये दोनों काट ही जाएगा ना, तो इसका भाई ये भाई ये हो जाएगा फिर नीचे वन माइनस क्या होगा गामा डब्ल्यू एच बाय गामा इफेक्टिव इनटू जेड टेन फाई बाय टेन आई। सो दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर न्यूमेरिकल। ओके, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन देखो, अगर मान लो सीपेज ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, सपोज मान लो सीपेज जो हो रहा है ना ये ग्राउंड लेवल पे ही हो रहा है, मान लो चलो नीचे जाने का जरूरत नहीं है, मान लो इधर ही हो रहा है, इधर ही हो रहा है, तब क्या होगा? पुटिंग द वैल्यू एक्स इजिकल टू जस्ट जीरो, क्योंकि जीरो में एक्सिस्टेंस ही नहीं रहेगा, तो जीरो हो जाएगा ना, ग्राउंड लेवल से तो पानी है। तो जस्ट पुट एक्स इजिकल टू जीरो एंड एच इजिकल टू जेड। सो द कंडीशन देखो क्या कंडीशन है, व्हेन सीपेज इज एट ग्राउंड लेवल, जस्ट पुट द वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो एंड एच इज इक्वल टू जेड, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? देखो ये जो रिजल्ट आएगा ये क्या आएगा, क्या आएगा बताओ? एक्स टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, यहाँ से क्योंकि यहाँ तक एक्स था, यहाँ से पकड़ना पड़ेगा। तो ये जो होगा देखो क्या होगा, मतलब यहाँ से यहाँ आए, गामा इंटू जीरो प्लस गामा सेट इंटू क्या होगा बताओ, एज इक्वल टू जेड हो जाएगा, जेड माइनस गामा डब्लू जेड बाय गामा इंटू जीरो प्लस गामा सेट इंटू एज इक्वल टू जेड, टेन फाइव बाई टेन आई तो है, तो जो है तो रहेगा, तो ए जीरो होगा, ए जीरो हो गया, तो गामा जेड को कॉमन ले लो तो जेड जेड भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो गामा सेट माइनस गामा डब्लू हो जाएगा, ऊपर नीचे गामा सेट हो जाएगा टेन फाइव बाई टेन आई। तो गामा सेट माइनस गामा डब्लू क्या होता है, गामा सबमर्ज होता है ना, गामा सबमर्ज बाई गामा सेट टेन फाइव बाई टेन आई। तो दिस टू रिजल्ट एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब ग्राउंड लेवल पे होगा सीपेज, जब सीपेज ग्राउंड लेवल पे होगा ठीक है ना, तो अब ये रिजल्ट आएगा, रिमेंबर इट, एंड व्हेन ग्राउंड लेवल से थोड़ा नीचे तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। बेसिकली इसको याद रखो, जब ग्राउंड लेवल पे होगा तो जस्ट पुटिंग द वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो एंड एच इक्वल टू जेड, देन विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट ऑफ गामा सबमर्ज बाई गामा सैचुरेटेड टेन फाइव बाई टेन आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अच्छा एक बात देखो, जियोटेक वन में शायद भूल गए हो लेकिन हम पढ़ाए थे गामा सबमर्ज ये जो होता है अप्रोक्सीमेटली 1/2 गामा सेट होता है, मतलब गामा सेट का हाफ होता है। तो फिर इसको क्या लिख सकते हो, तो हाफ लिख सकते हो ना, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन दैट कंडीशन, दैट कंडीशन मतलब कौन कंडीशन, जब सीपेज इज एट ग्राउंड लेवल तब नियर अबाउट 1/2 टेन फाइव बाई टेन आई, ठीक है। आई थिंक क्लियर, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू, बाई।